गुड एमसी दोस्तों, मेरे चैनल मिस्टर धनंजय कुमार ऑफिशियल में आपका स्वागत है। स्वस्थ मंत्रा में आपको थायराइड के नियंत्रण के बारे में बताने जा रहे हैं। थायराइड को नियंत्रित करने के लिए खान पान में क्या परहेज करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ टिप्स देने जा रहे हैं जिससे थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप IMC का डिस्काउंट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, जिससे आप IMC का प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पर खरीदारी कर सकते हैं। थायराइड को नियंत्रित करने का पहला टिप्स है पत्ता गोभी और फूल गोभी, लाल मांस, कैफीन, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, तैलीय और खट्टे चीज़ों का सेवन न करें। दूसरा टिप्स, डेयरी प्रोडक्ट, सोया मिल्क, सोयाबीन, टोफू का सेवन कम करना चाहिए। तीसरा टिप्स, खाना बनाने के लिए नारियल तेल का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, सुबह की ताज़ा धूप में 15 से 20 मिनट अवश्य रहना चाहिए। पांचवा टिप्स, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि व्यायाम को प्रतिदिन करना चाहिए। छठा टिप्स, टेंशन को कम करना चाहिए जिससे थायराइड कंट्रोल हो सके। सत्ता टिप्स, आपको IMC प्रोडक्ट के बारे में बताना जा रहा है जिससे थायराइड नियंत्रित किया जा सकता है। IMC का प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया हुआ है। थायराइड को नियंत्रित करने के लिए 30-30 ml एलोनोनी जूस, 30 ml एलो संजीवनी जूस, 30 ml गोमूत्र और 4-5 बूंद श्री तुलसी को मिक्स करके सुबह और शाम को लेना चाहिए, जिससे आपको थायराइड कंट्रोल हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड आई एम से दोस्तों।